हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए स्टार्ट किए थे। उसमें 3 क्लास हम पढ़ा दिए थे। आज त्रिकोणमिति का 4th क्लास होने वाला है। इसमें हम पहले कुछ आपको फार्मूला बताएंगे और उसका प्रूफ बताएंगे कि वो फार्मूला का प्रूफ क्या होता है। बस आज इस क्लास में यही बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और जो हम फार्मूलाज बताएंगे वो आपको हम क्लियर कर देंगे, वो भी प्रूफ के साथ। देखिए हम 2-3 क्लास में आपको अच्छे तरीका से कुछ भी बता रहे थे तो आपको अच्छे तरीका से बता रहे थे। फर्स्ट क्लास में आपको त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे तो सिर्फ उसमें हम लंब कर्णधार सा चिन्ह बताए थे। उसके बाद हम बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री आज 10th का है, 4th क्लास आज होने वाला है। तो देखिए हम आपको क्लास स्टार्ट किए थे तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सबको एक रिलेशन से हम बताए थे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सीखिए आप कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। देखिए साइन थीटा की पत्नी थी कोसेक थीटा, ये दोनों का आपस में शादी हुआ, उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ, वो इस लक्षण का हुआ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन। अब ये क्या सच में होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, इसको हम पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, काफी सिंपल है, हम एक को प्रूफ कर देंगे, आपको सब प्रूफ कर लीजिएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंबाटा कर्ण होता है ना, गुना कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा था कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ये कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब खत्म, तो बच गया ये, आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। अब इसी तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन होता है। एक और फॉर्मूला था कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, टैन थीटा की पत्नी थी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, ये 3 फार्मूला आपका होता है। अब इसको कितने तरीका से लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे। पहले ये जो प्रूफ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको किस किस तरीका से फार्मूला को हम लिखते हैं, आप बस ध्यान देते जाइएगा। तो देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा ये गुना में है, कोसेक थीटा उधर चल जाएगा तो वन बट्टा कोसेक थीटा, गुना में होने जाएगा तो भाग में, तो वन बट्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब फिर से ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर पहले से वन बट्टा, ये भी साइन थीटा गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो वन बट्टा साइन थीटा। एक दो फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपका यूज होगा जब हम प्रश्न बनाएंगे तो बहुत ही जरूरी है कि फार्मूला आपका प्रयोग होगा। उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ आप उसी तरह से कर लीजिएगा। फिर इधर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर वन बटा सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो वन बटा कॉस थीटा। चलिए आप पूरा फार्मूला खुद से लिख लीजिए। अब देखिए कुछ अलग फॉर्मूला है उसको हम बता देते हैं। तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, जरूरी है फॉर्मूला, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। बस फिलहाल अभी आप इतना फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको टेन थीटा बराबर वन बटा कोट थीटा, कोट थीटा वन बटा टेन थीटा आपको लिख लेना, टेन थीटा बराबर वन बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर वन बाई टेन थीटा, इसको हम प्रूफ कर दिए। अब इसको प्रूफ कर दे आप लोग कर लीजिएगा, इसका प्रूफ हम कर देते हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे का आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे का आधार, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, गुना है तो गुना, कोण थीटा तो आधार बटा लंब, लंब से लंब खत्म, कर्ण से कर्ण, आधार से आधार खत्म, ये भी आपका प्रूफ हो गया। आप इसी तरह से इसको प्रूफ कर लीजिएगा इसको। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या टेन थीटा होता है, इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं।
एक हम कर देंगे, आप एक आप खुद कर लीजिएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा कर, बट्टा है तो बट्टा, साइन थीटा का मान फॉर्मूला लिख दिए, लंब बट्टा कर, बट्टा है कोस थीटा, कोस थीटा आधार बट्टा कर, कर्ण से कर्ण खत्म, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार को टैन थीटा लिख सकते हैं, आपका प्रूफ हो गया। टैन थीटा को लंब बटा आधार लिखते हैं ना, टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे का आधार। बस इतना ही फॉर्मूला आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी टाइप वन से कुछ टाइप आगे बनाने तक इतना फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा। तो चलिए हम इतना फॉर्मूला को आपको बता दिए, और एक साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाला थीटा उसको, स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसको हम बाद में बताएंगे, इतना बता दिए। इस पर हम कुछ आपको प्रश्न कराएंगे, तो चलिए इस क्लास को हम सिर्फ फार्मूला बताने के लिए ही आए थे, इस क्लास को हम यहीं इंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न आपका एनसीईआरटी का बुक से होगा। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा, आप लोग का अच्छा डिमांड रहा, तो हम एनसीईआरटी के बाद भारती भवन और केसी सिन्हा दोनों बुक से पढ़ा देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते आए हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा, आप हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर।